हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थर्सडे है, अभी आज संतोष घर से ही काम कर रहे हैं ये लोग। संतोष और दोनों बच्चे लोग अभी न्यू मॉल्डन तक जाकर आए हैं, क्योंकि चुंगसी का एक एथलेटिक्स ड्रेस उधर कोई शॉप में आया था, वो कलेक्ट करने के लिए मैं नहीं गया था। अभी जस्ट ये दोनों आया है, तीनों आया है। ये सीधा उठकर ब्रश करकर सीधा चली गई, और सबका ब्रेकफास्ट सब हो गया है। अभी मैं लंच का तैयारी कर रही, उसको खाने है अभी इडली। इडली मैं कल भी भूल गई इडली का बैटर बनाने के लिए, इसलिए रवा इडली बना रहे हैं। जल्दी ये बैटर बनाकर ना मैं आपको एक चीज़ बाहर का दिखाती हूँ। आज मैं थोड़ा बाल ऐसे बांध कर रखा है, क्योंकि बहुत गर्मी है आज। बाहर हल्का सा ठंड है, इधर क्लाइमेट है ना, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। कल इतना ठंड था, कैप तक पहनना पड़ रहा था। आज देखो अच्छा धूप है, गर्मी भी है। किचन में है ना अच्छा धूप आ रहा है, आप देख सकते हैं ना, अच्छा धूप आ रहा है और गर्मी, पसीना भी लग रहा है। इसलिए मैं बाल ऐसे पकड़ के रखा है, और आपको मैं बाहर के एक अच्छा सुंदर सा एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले मैं ये अभी सांभर के लिए रखा है, इसलिए कुकर का विसल आ रहा है। एक मिनट, हाँ अभी ये रवा इडली का बैटर बनाकर फिर चलते हैं हम लोग। उसी के लिए कुछ मैंने ना पहले भी आपके साथ रवा इडली शेयर किया था, उसका मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी फिर भी मैं एक और बार दिखाती हूँ। मैं ऐसे ना अभी अंता से ऐसे डाल रहे हैं, अभी सोचो एक दो कप मैं ले रही हूँ। मैं हमेशा बनाती है ना, इसलिए मुझे मालूम है कितना है। एक दो कप से नहीं होगा, एक तीन कप डालती हूँ। तीन कप डाल दिया तो एक वन एंड हाफ कप योगर्ट डाल दूँगी, वैसे वो भी मैं मेजरमेंट से नहीं। देखो मैंने दही और सूजी डाल दिया, अब ये अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। देखो ये बैटर रेडी हो गया, इडली का बैटर रेडी हो गया। अभी इसको मैंने 10-15 मिनट कवर करके रखूँगी, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद ये बना दूँगी। ये विशु स्पेशल एक रेसिपी है, जिंजर है, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। ये रेसिपी है ना, हम लोग विशु और ओणम के दिन है ना हम लोग बनाना लीफ में खाना खाते हैं, उस दिन बनाना लीफ में ये सर्व करना ही है, हमारे उधर है ना कंपल्सरी है। और उसी के लिए मैंने थोड़ा सा जैगरी सिरप भी रेडी करके रखा है। बहुत दिन के बाद आज कपड़ा भी बाहर सूखने के लिए रखा है, अच्छा धूप है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ये ट्री देखा, ये एप्पल ट्री है, उसमें अभी देखो फ्लावर सब आना शुरू हो गया। वो है ना एप्पल ट्री है, लेकिन हम लोग इस घर में आकर ना 4 साल हो गए, अभी तक एक भी एप्पल हम लोग को खाने के लिए नहीं मिला है। हम लोग को हमेशा ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि है ना हमारा नेबर के घर में एक बहुत बड़ा एक ट्री है, एक उसमें है ना एक स्क्विरल रहता है। वो फिर हमारे उधर बहुत सारा कबूतर है ना, कबूतर भी आता है, वो उस ट्री में ही सब लोग रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो देखने के लिए। इतना झगड़ा करते हैं, उसमें दो कबूतर है और ये एक स्क्विरल है, इतना झगड़ा करते हैं वो लोग, आकर ये पूरा खा लेते हैं। और अगर वो स्क्विरल इधर है तो है ना कबूतर को खाने के लिए नहीं देते। फिर हमारा उधर एक फॉक्स है, वो करेक्ट एक रात के 10 बजे के बाद हमारा गार्डन में ही रहता है, पता नहीं वो ऐसे इधर देखते रहते, नहीं तो है ना शेड के ऊपर चढ़कर वो दूसरे वाला उनका है ना, उनके उधर लाइट आ गया तो वो लोग का डिनर टाइम होता है ना, वो उनको देखते रहते हैं। और हमारा गार्डन में है ना कोई भी मैंने प्लांट्स नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है, क्योंकि है ना इतना बदमाशी, वो स्क्विरल भी है, ये फॉक्स भी है, कुछ भी मैं डालती ना दूसरा दिन लगता है वो नीचे ऐसे मतलब ना तोड़ फोड़ कर डाल देते। 2-3 बार मैंने ट्राई किया है, फिर अभी छोड़ दिया मैंने। फिर ये लोग हमारे घर में भी 2 लोग है ना फुटबॉल खेलकर सब, अभी पहले क्या था मुझे कपड़ा सूखने के लिए मैंने रस्सी बांध कर हाउस ओनर ने डाल कर रखा था रस्सी कपड़ा डालने के लिए, इन लोगों ने फुटबॉल खेलकर वो भी तोड़ दिया, अभी स्टैंड में ही रखना पड़ता है।
ये वो, लेकिन वो एप्पल ट्री ना दिखने में, एप्पल सब होने का भी फ्लावर्स भी आ गए ना, बहुत सुंदर लगता है। इतना छोटा सा ही वो होता है, उससे बड़ा होने के लिए वो स्क्विरल होने ही नहीं देते आज तक, 4 साल हो गए, 4 साल में एक बार भी वो बड़ा होने नहीं दिया है। वो मुंह में ऐसे ऐसे करके रखते हैं हर बार लेके आए, तो वो मैंने एक बार फ़ोटो भी खींचा, अभी नेक्स्ट टाइम मैंने कभी भी देखा तो आपको भी दिखा दूँगी। और चुंगसिनी हम दोस्त ये कुछ मूवी देख रहे हैं, कोरियन मूवी है, ब्लैक समर सीरीज है, कुछ तो सीरीज देख रहे हैं, हॉरर ही होगा, हॉरर है ना, थ्रिलर है, दो पैर ना नेटफ्लिक्स लड़ा दो, ब्लैक समर, നീ കണ്ടതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എടാ, നീ കണ്ടേ, നീ ഇത് ത്രില്ലർ മൂവി നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, നീ ഓഫ് ചെയ്ത്, ഇത് ത്രില്ലറാ, പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം, നോർമൽ എല്ലാ വർഷം സോംബി പോലെ ടൈപ്പ്, സോംബി സോംബി വാലാ ഹേ ടീക്ക് മേ ജാക്കർ ഖാന ബൻതി അഭി 12 ബജെ ഹോനെ വാലാ ഹേ। अभी मैं रवा इडली को तड़का देने जा रही हूँ। इधर मैंने घी यूज़ किया है, क्योंकि घी से अगर रवा इडली बना दिया तो है ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ऑयल से ज़्यादा घी अच्छा है। तो मैंने इधर घी गरम हो रहा है, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा, और आप इसमें ग्रीन चिल्ली और जिंजर भी डालना है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि खुशी को खाना है तो वो दोनों में मत नहीं डाल रही हूँ। फिर डाल दूंगी थोड़ा सा कैश्यू, थोड़ा सा करी पत्ता और हल्का सा हींग। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, ऊपर थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अभी मैं पुलिंजी बनाने जा रही हूँ, उसके पहले सब लोग बोल रहे हैं संतोष को दिखाना हर वीडियो में, संतोष को देखो भाई हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज घर पे है तो दिखा रही हूँ। घर पे काम करने के लिए मैं अपने काम करने के लिए बैठा हूँ, ये अपने वीडियो में डालने के लिए बैठी है। अभी मैं देखो उसका कोल्ड भी शुरू हो गया, मैं ये अभी मैं ये जिंजर से बनाने जा रहे, उसका नाम है पुली इंजी, इंजी पुली या पुली इंजी कुछ भी बोल सकते हैं, खुशी एंतो हो रहा है, और उसी के लिए ना इमली चाहिए। ये मेरी माँ दिया था लास्ट टाइम केरल गया, तो देखो इसमें थोड़ा सा सोल भी डालकर रखा है। ये हमारा घर का ही इमली है, घर का पेड़ से आया, उसको सुखा दिया, वो है दो है, एक में बाद में अभी और भी है, ये दूसरा वाला इमली है, ये फिश में डालते हैं, ये भी हमारा घर का ट्री से हुआ है, ये कोकम बोलते हैं ना। थोड़ा सा अभी एक लेमन साइज चाहिए मुझे अभी इसी के लिए, थोड़ा सा ही एक कप जिंजर ही होगा, इसलिए मैं देखो इतना सा इमली ले रही हूँ, वो थोड़ा पानी में डालकर रख रही हूँ। इसी रेसिपी के लिए ना ये जिंजर है ना एक ही साइज में कट किया, तो ना एक ही साइज में होना चाहिए। मैं ना कटिंग में इतना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने चॉपर में डालकर चॉप किया है। और अभी और मेन है ये बना रहे हैं तो है ना कोई अल्यूमिनियम बर्तन में नहीं बनाना है, क्योंकि इमली वाला है ना उसमें ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है, इसलिए स्टील है तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा वाला मिट्टी का क्या बोलते हैं मटका क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी में बना दिया तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी इसमें पहले क्या डालना है, पहले कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहिए तो दूसरा ऑयल मतलब सनफ्लावर ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कोकोनट ऑयल से ही बनाते हैं। अभी कोकोनट ऑयल गर्म हो गया तो उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, दो ड्राई रेड चिल्ली, करी पत्ता, जिंजर डाल दूंगी, ये एक कप जिंजर है, और डालना है ग्रीन चिलीज, मैंने इधर 3 ग्रीन चिली यूज़ किया है। अभी ये जिंजर थोड़ा क्रिस्पी होने तक इसको
फ्राई करना है। अब ये जिंजर अच्छे से फ्राई हो गया, अच्छे से क्रिस्पी हो गया। अब मैं ये सिम में रखकर उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, फिर एक टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी। अब ये अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये टामरिन वाटर। और डाल दूंगी ये जागरी सिरप, वो भी मीठा कितना चाहिए उसी हिसाब से। मैं पहले थोड़ा सा ही डालकर देख रही हूँ। फिर सॉल्ट ऐड करना है, फिर इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा मेथी पाउडर। अब इसको थोड़ा थिक होने तक कुक करना है। इसका ना ठीक, अब कितना मिर्ची पाउडर है और इमली और ये जागरी सिरप है ना, बाद में एक बार टेस्ट करके फिर से ऐड कर सकते हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा डाल दिया तो ना फिर वो कुछ नहीं कर सकती। इसका टेस्ट है थोड़ा खट्टा होना चाहिए, थोड़ा फीका होना चाहिए, थोड़ा मीठा होना चाहिए, वैसा इसका टेस्ट। अयो इन मैंने ना रवा इडली में नमक डालना भूल गई। आप लोगों से बातें करके ना पहले वाला में, अभी सेकंड वाला ट्रिप मैंने इधर टेक लिया उसमें सॉल्ट डाल दिया, लेकिन इसमें नहीं डाला क्योंकि उसको पता भी नहीं चला। देखो खा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। सांभर आता है वो इडली और जागरी, देखो जागरी का मैंने इधर रखा था, वो कैसा कैसा कॉम्बिनेशन में खाना खाते है। मजा पड़ जाता है। ठीक है, हम लोग लंच खाते हैं फिर मिलते, तब तक ये ना स्लो थोड़ा होने दो इसको। हम लोग लंच फिनिश करते हैं ना तब तक ये हो ही जाएगा, बीच बीच में थोड़ा हिलाना इतना ही है। ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നട്സ് ഇഷ്ടമാണ്, അല്ല ഇന്നലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നട്സ് ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഡലി വേണോ? अब इसे संतोषी खाना खा रहे है। इसको इडली, खुशी को इडली चाहिए था लेकिन मैंने गलती से उसमें नट्स डाल दिया, लेकिन सब में नहीं है। अभी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोगों ने अभी चुंगसी के लिए ने एक शू ऑर्डर किया था, कौन सा कंपनी से? यूएस का वेबसाइट है, काला किला वेबसाइट, वहाँ से ऑर्डर किया था एक न्यू बैलेंस का स्पाइक्स, 100 मीटर रनिंग के लिए जो स्पाइक्स होता है वो ऑर्डर किया था। वो लास्ट वीक चाहिए था, उसका एक कॉम्पिटिशन था उस दिन, जिस दिन उसका हाथ कट गया ना उस दिन का, उसी के लिए चाहिए था लेकिन वो नहीं आया। फिर हम लोगों ने अमेजोन से फिर से ऑर्डर किया है। वो संतोष ने बोला वो यूएस से ऑर्डर किया था ना, वो नहीं आया, तो हम लोगों ने उसका ट्रैक किया किधर तक आ गया किधर तक आ गया। फिर एक दिन हम लोगों को मैसेज मेल आ गया, वो डिलीवर हो गया। फिर संतोष ने वापस उनको मेल किया है, नहीं कुछ नहीं आया है, लेकिन उस दिन क्या डिलीवर हुआ है वो मकले वो क्या डिलीवर किया है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक रिस्ट बैंड उन्होंने ये भेजा है, ये आया तो हम लोगों को मालूम, हम लोग थोड़ा ये हो गया किसने भेजा है, हमारा एड्रेस किसको किसको मालूम पड़ गया, पता नहीं किसने भेजा है, क्योंकि ये चाइना से आया है। ऐसा एक रिस्ट बैंड आया है और इसका रेट है 12 pounds, और संतोष ने वो शू ऑर्डर किया कुछ 60 pounds का कुछ तो शू था। देखो ऐसा वाला चीटिंग धोखा हमारे साथ हुआ है। अभी हम लोग उनको ये मेल कर रहे हैं, वो लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर संतोष ने उनका बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट पढ़ लिया तो मालूम पड़ गया है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा चीटिंग हुआ है। इसलिए आप लोग भी है ना कभी भी, कौन सा कंपनी का बंद है, ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करो हाँ तो केयरफुल करना, मतलब अच्छा कंपनी नहीं है तो शॉपिंग मतलब मत करना उसमें ऑनलाइन। हाँ ये हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है।
कितना पैसा का नुकसान हो गया. It came with this. And you can do this. You can, like, you put it in there. Like you can see, like this line in the middle. You put the stick in the middle of the line, like that. You turn it. और मुझे तो ये नहीं चाहिए. पहले मैंने सोचा ये चुंगसी ने गलती से ऑर्डर किया है शू की वजह, लेकिन नहीं, हम लोग मेल किया तो वो तो रिप्लाई करना चाहिए ना वापस, वो भी नहीं. कितनी बार संतोष ने मेल किया है, कोई रिप्लाई नहीं है कोई. इसलिए थोड़ा ऑनलाइन में शॉपिंग करे तो ना थोड़ा ध्यान से करना. हमारे साथ है ना पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ. अभी इनको खुशी तरट इडली तरट मकल है, नट्स एड़त कल है अम्मा, इसी ने बोला इडली खाना है. मैं हमेशा ना इसके लिए बनाती हूँ, नट्स हटा कर बनाती इसके लिए, लेकिन मैंने आज बातें कर किया ना भूल गई मैं. तरट और एक उधर है इडली क्यों बनाया उसको पूरी फिर से खाना है. मैंने बोला कल पूरी खाया ना, अभी आज इडली. ये बहुत दिन से बोल रहे इडली तरटे मकल तरटे എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. തരട്ടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരട്ടെ. ആ അമ്മൂമ്മ തരട്ടെ, അമ്മൂമ്മേ എന്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്, എന്തോ എടുത്ത് കഴിച്ചോ, ഇവിടെ എല്ലാം മോത്തെല്ലാം ഇരിക്കുക. ടീക്കെ ബാദ്മേ മിൽത്തി കുഷി മിനിറ്റ് മക്കളെ. അഭി ഏ ഹോഗ്യ ദേഖോ ഇത്ന തിക്ക് ഹോഗ്യ. अभी ये बैठते बैठते ना थोड़ा और थिक हो जाएगा. इसको एक प्लेट में डाल के फिर मैं दिखाती आपको. देखो ये रेडी हो गया, कितना कम है एक बाउल में, देखो बहुत कम है. वो इंजी पुली है ना, मैं थोड़ा सा ही बनाया था, एक कप जिंजर है ना उसी से ही बनाया था. बहुत टेस्टी है वो. इंजी मतलब जिंजर, पुली मतलब टैमरिंड, इसलिए इंजी पुली. दोनों मिक्स करते हैं तो इंजी पुली बोलते हैं, नहीं तो पुली इंजी बोलते हैं. वो हम लोगों के लिए एक दो हफ्ते के लिए लेगा. दो हफ्ता अच्छे से फ्रिज में रखना पड़ेगा, दो हफ्ते यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि एक ही स्पून अगर राइस के साथ एक ही स्पून यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं. वो बहुत, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी है वो. अभी मैं ना आज के लिए नहीं, ये बनाकर विशु है ना, विशु का पहले एक दो दिन पहले ये बनाकर रखना पड़ता है. मैं विशु के लिए नहीं, मैं अभी कल लेना, मैं इसके साथ कोकोनट का एक चटनी है सूखा वाला वो भी बना दूँगी, और पुलिशेरी बना दूँगी. कल सांभर आज का है वो, कल हम लोग दोपहर में राइस के साथ वो ही खा लूँगी, इसलिए मैंने वो बना कर रखा है. ये इंजी पुली और कोकोनट चटनी है तो है ना, फिर एक ऑमलेट भी है तो मेरा तो खाना. हम लोग केरल में है ना मैक्सिमम टाइम ऐसे ही खाना खाते थे. इंजी पुली फेस्टिवल के टाइम में बनाते, लेकिन वो कोकोनट का चटनी सूखा चटनी वो पोटैटो फ्राई और ऑमलेट वो हम लोग स्कूल में भी लेके जाते थे, वो टेस्टी है वो. एक और बार फिर से कभी भी मैं आपको कभी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी. और अभी आपको सुन सकते हैं संतोष का कॉल चल रहा है. अभी चुंगसी तो आज फ्री हो गया, उसका फ्रेंड के घर जा रहे हैं. पहले सोचा था उसको उसका फ्रेंड को इधर बुलाने के लिए, लेकिन संतोष का ना पूरा टाइम कॉल चल रहा है और इसलिए सोचा बच्चे को उधर ही भेजते हैं, उनका घर भेजते हैं. और खुशी थोड़ा उसमें दुखी है, खुशी को भी जाना है, लेकिन अभी चुंगसी को ही भेज रहे हैं क्योंकि शाम को हम लोग खुशी को लेके हम लोग पार्क जाएंगे. हाँ, हम लोग खुशी को लेके पार्क जाएंगे. ठीक है, मेरा आप लोग मैं इधर फिनिश कर रही हूँ. अगर आप लोगों को आज का व्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आ गया तो लाइक करना भूलना नहीं, पर लाइक करना भूलना नहीं, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना भूलना नहीं. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना भूलना नहीं. और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय से बाय.